अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्तियों के आइडिया दूंगा। जो हमारे पास 3 कुर्तियां हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसमें हमने क्या डिजाइनिंग की हुई है। ये देखें, ऊपर से हमने इसका हाइनिंग गला बनाया है, यहाँ बैक में हमने एक टिक बटन लगा दिया, ठीक है, बैक में हमने इसके वी गला दिया है, यहाँ पे टिक बटन लगा दिया हमने इसे ताकि ये इस तरह बंद हो जाए। इसकी नॉर्मल हमने स्लीव्स बनाई है, सिर्फ फिनिशिंग लगाई है हमने नीचे, ठीक है। और इसके दामन में देखे हमने डिजाइनिंग की है 2 कलर में, एक सेम का कलर हमने लिया और इसके कंट्रास्ट का हमने ग्रीन कलर लिया है। इसकी हमने पट्टियां लगाई, ऊपर हमारी डबल पट्टी शो हो रही है, नीचे हमारा सिंगल ही कलर है जो हमारी कुर्ती का कलर है, ठीक है। और इसके नीचे हमने ये बढ़ती हुई पट्टी लगा दी 1.5 इंच चौड़ी। बाकी बैक के चाक दामन में और फ्रंट के चाकों में हमने फिनिशिंग लगा दी, ठीक है। मैं आपको दूसरी कुर्ती दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसका गला बनाया, वी में हमने स्लेट बनाई है छोटी सी जिसमें हमने 4 लूप्स बटन लगा दिए और ऊपर हमने कॉलर लगा दिया नॉर्मल। और ये देखें स्लीव्स हमारी, ये स्लीव्स में आपको अपनी वीडियो में सिखा भी चुका हूँ ये स्लीव्स हमने किस तरह तैयार की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए दामन में हमने डिजाइनिंग की है, ये देखें, एक हमारे पास बॉर्डर था इसके हमने बड़े तिकोन तैयार किए हैं, बाकी एक हमने सेम कलर के तिकोन तैयार किए हैं छोटे, और ये हमने फिनिशिंग के साथ ही लगाए, कच्चे नहीं लगे हुए हमारे। ऊपर हमने ये कटवर्क किया था। बाकी बैक के चाक दामन में और फ्रंट के चाकों में हमने फिनिशिंग लगा ली। ये हमारी तीसरी कुर्ती है। इसके हमने बोट गले में स्लेट दी थी, ठीक है, लेकिन हमने ना पाइपिंग लगाई है ना बूट पाइपिंग लगाई है, हमने सिर्फ इसे पक्का करने के लिए, मतलब अगर बटन टाकने के लिए ना नीचे हमारी बुकरम आ गई, इसके हमने यहाँ पे 3 बटन टाक दिए। और ये देखें, ये हमने स्लीव्स बनाई है इसकी। आगे हमने इसके रिंग बनाए, जैसे हम लूप्स डोरी तैयार करते हैं ना उसी तरह की हमने लूप्स डोरी तैयार करके, लेकिन इसकी लूप्स डोरी कड़क तैयार होती है, ठीक है। तो स्लीव्स में भी हमने इसी तरह रिंग बना लिए और इसके दामन में भी इसी तरह रिंग बना लिए, फिनिशिंग के साथ लगा दिए हमने इसे। बाकी बैक के चाक दामन में और फ्रंट के चाकों में हमने फिनिशिंग लगा दी।